सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन यूनिट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन यूनिट क्या है, इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट एट अ विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, वो पॉइंट जिसपे टोटल रेवेन्यू बराबर आ जाए टोटल कॉस्ट पे। अभी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल कॉस्ट मतलब आपने एक कंपनी ओपन की, आपने प्रोडक्ट बनानी है, तो आपने उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदा। फॉर एग्जांपल आप कुर्सियां बनाते हैं, कुर्सियां बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसके बाद आपने मशीनरी में डाला, लेबर को कॉस्ट दी, जो सारे आपके एक्सपेंसेस हैं ना, जितनी भी एक आपने ना टोटल 1000 कुर्सी बना ली, सारा रॉ मटेरियल जितना भी खरीदा उससे लेबर लगाकर सारे एक्सपेंसेस डाल के आपकी 1000 कुर्सी बन गई। मतलब जो आपकी टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है? 1000। तो 1000 कुर्सी पे आपकी कॉस्ट आई 10 लाख रुपया। मतलब आपने 1000 प्रोडक्शन बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 10 लाख रुपया। मतलब हर कुर्सी पे 1000 रुपया आपकी कॉस्ट है। मतलब एक हजार को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 10 लाख रुपया। तो आप टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख की आपने कुर्सियां बनाई और उसको जब सेल किया मार्केट में, तो आपके पास जो रेवेन्यू आया, जो आपने अर्निंग की सेल करके, जो कंप्लीट अर्निंग हुई, वो कितनी थी? 10 लाख। मतलब टोटल कॉस्ट भी 10 लाख और टोटल रेवेन्यू भी 10 लाख। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने जितनी कॉस्ट है, जितना आपका खर्चा है, उतने ही आपके पास, मतलब कमाई भी उतनी हो, उतना ही आपका रेवेन्यू हो, उतनी ही आपकी सेल्स हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाए। आ गया ब्रेक इवन यूनिट, द नंबर ऑफ अ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी सोल्ड बिफोर अ कंपनी मेक्स इनफ मनी टू पे फॉर अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ मेकिंग द प्रोडक्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, जो है ना, कंपनी ने जब प्रोडक्ट बनाई, 1000 जो प्रोडक्शन उसने की है, उसके पहले उसकी प्रोडक्ट बिक तो नहीं ना गई, उसे पहले खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जो उसने रॉ मटेरियल खरीदा उसके लिए आप उसको पैसे चाहिए, जो उसने मैन्युफैक्चरिंग की उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो जो अभी प्रोडक्ट बिकी नहीं, प्रोडक्ट बिकने से पहले जो मनी की ज़रूरत होती है पे करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को, उसको, मतलब जो हमने अभी प्रोडक्ट बनाई नहीं, प्रोडक्ट बिकने के बाद, मतलब प्रोडक्ट जो बन के बिकने के बाद, उससे पहले जो कॉस्ट आती है ना प्रोडक्ट के ऊपर, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी प्रोडक्ट को मेक करने के लिए, उनको, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स। मतलब जो हर यूनिट पे हमारी प्रोडक्ट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है प्रोडक्ट बनाने पे, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन यूनिट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट वो जो आप परचेजिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली पे कर रहे हैं, मतलब आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको डायरेक्टली, मतलब उसके ऊपर पे की। और डायरेक्ट कॉस्ट सिंपली आपको बता दूं, जो आप, मतलब आप चीज़ को बनाने के लिए और चीज़ को, मतलब बनाने के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है, और जो चीज़ों को बनाने के लिए आप जो परचेजिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है, जैसे मैनेजर हो गए, मैनेजर की सैलरीज वगैरह, इस तरह की जो इंटरेस्ट आपने पे कर दी, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती हैं। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक तो पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।